हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए एक और नया क्यूज लेके आया हूँ। ये जो क्यूज है ये आज ही एक्टिव रहेगा, यानी इस क्यूज के लिए आपको आज ही रजिस्ट्रेशन करना है और आज ही इस क्यूज में पार्टिसिपेट करना है। इस क्यूज को कंप्लीट करने के बाद में आप सभी को विद इन 2 मिनट के अंदर जो सर्टिफिकेट है ईमेल आईडी पर मिल जाएगा, ठीक है। क्यूज के आंसर्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इस क्यूज में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप क्यूज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्यूज के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक फॉर्म ओपन होगा, ठीक। इस क्यूज का नाम है ऑनलाइन सिविल टेक्निकल क्यूज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग SVC बेंगलुरु, ठीक है। इस क्यूज में सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका स्कोर 60% से अबव रहेगा। इस क्यूज को मैंने पहले ही अटेम्प्ट किया हुआ है और जो मेरा इसमें पॉइंट है वो है 42, ठीक है, 50 में से 42 पॉइंट है, ठीक है। तो इस फॉरम में आपको जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है वो सारी बेसिक डिटेल्स आपको फिल कर देना है। सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका स्कोर 60% से अबव रहेगा। तो मैं आपको क्यूज के आंसर्स बता देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइन, नाइन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेन, टेन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेवन, ठीक है, इलेवन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्वेल्व, ट्वेल्व का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्टीन, थर्टीन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्टीन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्टीन, फिफ्टीन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटीन, सिक्सटीन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवनटीन, सेवनटीन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्टीन, एट्टीन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइनटीन, नाइनटीन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्वेंटी, ट्वेंटी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी वन, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी टू, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसका राइट आंसर होगा 75 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, 27 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, 28 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, 30 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, 33 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, 36 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको क्यूज को कंप्लीट करना है। क्यूज कंप्लीट करने के बाद में क्यूज को सबमिट कर देना है। क्यूज सबमिट हो जाने के बाद में जो है आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो यहाँ पर व्यू स्कोर पे क्लिक करके, ठीक है। और अगर आपका स्कोर 60% से अबव रहता है तो आपको सर्टिफिकेट विद इन 2 मिनट के अंदर आपके मेल आईडी पर मिल जाएगा। जिन लोगों को विद इन 2 मिनट के अंदर नहीं मिलता है तो उन लोगों को 24 आवर्स तक वेट करना है, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट है वो इस तरीके का दिखेगा, ठीक। अगर दोस्तों आपको क्यूज पसंद आया हो और अगर आप सभी को सर्टिफिकेट मिल जाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।